12 दिन का दिल्ली में ही होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स का हालात क्या हुआ जी, पूरे दुनिया जानते। टॉयलेट नहीं बन पाए, फ्लैट्स नहीं बन पाए, कॉमनवेल्थ गेम्स का इतना फ्लॉप शो हुआ, भारत का बदनाम हुआ पूरे दुनिया में। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को हैंडल ना कर सका, आजकल लेक्चर दे रहे हैं कि कैसे हैंडल करना है। देश को ऐसे गंभीर अवस्था में खड़े रख के चले गए, भगवान जाने अगर वो कंटिन्यू करते इस देश का हालत आज क्या होता। If they have the courage that they've done a good work, they should listen and confront. If they have the courage, they should listen and reply. सुनने का ताकत नहीं है, सुनने का ताकत नहीं है। With the benefit of hindsight, कोविड जैसे इतना भयंकर गंभीर क्राइसिस ना था वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, इट वॉजंट एज सीरियस एज कोविड, बट स्टिल आई वुड वॉन्ट टू से दैट इट वॉज अ क्राइसिस एंड अ गवर्नमेंट शुड हैव हैंडल्ड इट विथ सिंसियरिटी, ट्रांसपेरेंसी। दे स्टार्टेड समथिंग, दे एंडेड अप इन समथिंग एल्स। They want, I want to believe. Sir, this kind of a running commentary doesn't help anybody. If they have the courage that they've done a good work, they should listen and confront. If they have the courage, they should listen and reply. If they have the courage, they should listen to what I'm saying and respond. सुनने का ताकत नहीं है, इसीलिए ऐसे बात नहीं करने दे रहे। फिर भी मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं बात करूंगी। सर, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को हैंडल ना कर सका, आजकल लेक्चर दे रहे हैं कि कैसे हैंडल करना है। मैं बोल रही हूं सर, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस उस समय भारत के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया, मगर उसके बाद भी स्कैंडल के ऊपर स्कैंडल चलते रहे और उससे देश को ऐसे गंभीर अवस्था में खड़े रख के चले गए। भगवान जाने अगर वो कंटिन्यू करते इस देश का हालत आज क्या होता। सर, दैट इज वन स्टोरी ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद सरकार ने भारत देश को कैसे बचाया, नहीं बचाया। मगर कोविड के बाद माननीय मोदी जी ने इस देश का कैसे संभाला, वैक्सीन सबको मुफ्त में दिला दिया और देश को प्रोटेक्ट किया, वो कैसे हुआ। और सर, ये सीरियस डॉक्यूमेंट है सर, मैं दोबारा बोल रही हूं, मैं इसको रीएम्फेसाइज कर रही हूं, ये सीरियस डॉक्यूमेंट है, इसमें सीरियस विषय है, इसको गंभीरता से ले। मुझे मेरा आवाज बंद करने के लिए कोशिश करेंगे वो तो नकार है, फेल हो जाएंगे ही, मगर इस सच्चाई को सामना करना उस पार्टी के लिए जरूरत है। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस वर्सेस कोविड मैंने बोल दिया, डिटेल में भी बोलूंगी शाम को, मगर एक दूसरा एग्जाम्पल लीजिए। इस देश में 12 दिन का दिल्ली में ही होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स का हालात क्या हुआ जी, पूरे दुनिया देखा। टॉयलेट नहीं बन पाए, फ्लैट्स नहीं बन पाए, गेम्स विलेज नहीं बन पाए, करोड़ों रुपया का घोटाला हुआ। और उसके बाद उसका विपरीत देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स का इतना फ्लॉप शो हुआ, भारत का बदनाम हुआ पूरे दुनिया में। दिल्ली में ही
12 दिन का कार्यक्रम, उसमें कॉमनवेल्थ गेम्स के द्वारा पूरे देश में बदनाम हुआ, पूरे विदेश में बदनाम हुआ हमारा। मगर आज देखिए G20 7 प्लेसेस में, पूरे भारत देश में किसी एक स्टेट को छोड़ा नहीं। आप भी करो भैया, आप भी होस्ट करो, आपके चीफ मिनिस्टर भी उसमें बैठ जाओ, और आपके लोकल प्रोडक्ट्स का भी उन विदेशी मेहमानों को दिखाओ, आपके टूरिज्म बढ़ाओ। ये सब करके पूरे देश को साथ लेकर के G20 को इतना शानदार तरीके से चलाया मोदी जी ने, देश का सम्मान विदेश में बढ़ा है, ना कि बर्बाद हुआ। ये कंपैरिजन लीजिए ना ये दोनों का, ये व्हाइट पेपर उसके ऊपर भी बात कर रही है।